हाय गाइस, नमस्कार। तो मतलब फॉर्चुनेटली हम आज दूसरा लीड कोड का सवाल बना पा रहे हैं, तो सम मोमेंटम बिल्डिंग अप। ऑलराइट, तो ये मैं सवाल कराऊंगा आपको, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, बिफोर आई डू दिस मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे आपको टॉफलर ऐप के बारे में मालूम है क्या, टॉफलर वेबसाइट के बारे में? ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मैं इस पर स्टोरी करूंगा आज, ड्रीम एंड बिल्ड के ऊपर टॉफलर पे स्टोरी करूंगा। तो टॉफलर से ना आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पर पढ़ोगे तो कंपनियां ना अपना फाइनेंशियल कुछ का कुछ बोलती हैं, जैसे कि मैं इंस्टेंस नहीं, नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि नाम लेने में गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक कंपनी थी, वो साल के हर साल ऐसा जो रेवेन्यू प्रपोज करेगी, मेरा रेवेन्यू इतना होने वाला है, 1,000 करोड़ होने वाला है, तो वो 300-400 पे रह जाती थी। जब वो 1,000 बोलती थी 300-400 पे रह जाती थी, जब 500 बोलती थी तो 100 पे रह जाती थी। तो जो एंड ऑफ कोर्स पीआर होता है, तो जो ये जैसे जो मेजर पब्लिकेशंस हैं जो किसी भी कंपनी के बारे में, स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में खबर छापते हैं, दैट इज़ मेजरली पेड न्यूज़। तो कंपनी से उनके पास पैसा जाता है और उसके बारे में खबर छाप देते हैं, तो नेगेटिव न्यूज़ जनरली नहीं छपती है। ठीक है, तो टॉफलर आपके लिए कैसे रिलेवेंट हो सकता है? किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले होना है, उसके फाइनेंशियल स्कोर के देखो, तो उसकी ना आपको कैश का वो पता लग जाएगा कि कंपनी के पास कैश है कि नहीं है। तो मैं उस जो करूंगा, जो स्टोरी करूंगा, वो एक्चुअली ये होगी कि ज्वाइन करने से पहले आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक कैसे करो कि ये कंपनी ज्वाइन करने लायक है या नहीं है। तो टॉफलर एक तरीका है, लिंक्डइन पर उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ये दूसरा तरीका है। ऐप है हुड नाम की, हुड नाम की ऐप पे क्या उसके बारे में शब्द चल रहे हैं, नॉर्मल गूगल सर्च उसके बारे में क्या कह रहा है, लिंक्डइन क्या कह रहा है, ट्विटर क्या कह रहा है, हुड क्या कह रहा है। तो इस तरह की तरीकों से हम एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ ऑब्वियस बातें, कुछ नॉन ऑब्वियस बातें तो मैं स्टोरी में करूंगा, देखना जरा। तो टॉफलर बड़ी ज़रूरी हो सकती है तुम्हारे लिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो उसके फाइनेंशियल स्कोर के देख लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। तो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, एक दूसरा जो मैं स्टोरी करूंगा बहुत सून, कहीं ना कहीं स्टोरी करूंगा, या तो जेई वाले चैनल पर करूंगा या ड्रीम एंड बिल्ड पर करूंगा, कि फाउंडर माइंडसेट से तुम अपने लिए जॉब कैसे निकाल सकते हो। मतलब पता है क्या है फाउंडर माइंडसेट, मतलब क्या है? एक होता है जॉब इम्प्लॉय माइंडसेट, जॉब सीकर माइंडसेट। वो इम्प्लॉय माइंडसेट या स्टूडेंट माइंडसेट से आप जॉब फाइंड करने की कोशिश करते हो, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों पे सही उतरने की कोशिश करते हो। फाइंडर माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आप जॉब क्रिएट करते हो अपने लिए, मतलब ये नहीं कि आप कंपनी खोल के जॉब क्रिएट कर रहे हो, किसी और की कंपनी में भी जो अपने लिए जॉब क्रिएट करते हो। जिसका मतलब क्या होता है कि मैं चीज़ें बनाने के लिए उत्सुक हूँ, उसके लिए ही मैं नॉलेज गैदर करता हूँ, मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नॉलेज नहीं गैदर करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं बात बोलता हूँ। जो जो इम्प्लॉय माइंडसेट है उसका मतलब है कि मैं नॉलेज लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए गैदर करता हूँ। मेरा रिज्यूमे भी इसलिए होता है कि तुम्हारे जो तुमने मापदंड बनाए उनके ऊपर मैं पूरा उतर पा रहा हूँ या नहीं उतर पा रहा हूँ, जो रिक्रूटर ने मापदंड बनाए उसके ऊपर मैं पूरा उतर पा रहा हूँ कि नहीं उतर पा रहा हूँ। फाउंडर माइंडसेट होता है मैं नॉलेज गैदर कर रहा हूँ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं, मैं नॉलेज गैदर कर रहा हूँ चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि मैं चीज़ें बनाता हूँ तो इसलिए मैं अपने लिए जॉब क्रिएट कर पाता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक रीसेंट जल्दी एक स्टोरी करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। एंड ईजियर सेड देन डन, कहने में तो बहुत आसान है, करने में ही तो मुश्किल है। ठीक है, क्या मैं फाउंडर माइंडसेट से काम कर पाता हूँ? मैं खुद भी कभी कभी कर पाता हूँ, बहुत रेयरली कभी कर पाया, पेपकोडिंग के टाइम पर कर पाया हूँ बेसिकली, बाकी नहीं कर पाया हूँ। तो बट फाउंडर माइंडसेट कैन हेल्प यू क्रिएट जॉब्स फॉर योरसेल्फ। तो ये एक स्टोरी हम जल्दी करेंगे, तो ड्रीम एंड बिल्ड पे आज ही टॉफलर वाली स्टोरी करेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड चेक कैसे करें और क्यों ज़रूरी है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना। और फाउंडर माइंडसेट मोस्ट लाइकली मैं जेई वाले चैनल पर करूंगा। कि एक लास्ट बात और जस्ट बिफोर आई डू द क्वेश्चन, यार कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि हम जैसे डीएसए करते रहते हैं, डेव करते रहते हैं, तो क्या किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम साथ में सीए कर लें तो क्या कैसा रहेगा? ठीक है, जैसे मैं उस जनता में नहीं हूँ, तो जैसे मैंने कभी सीए के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पिछले जब सिंस लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले साल से मेरे मन में ख्याल आया है, क्योंकि जैसे मुझे फिर से कभी कंपनी फाउंड करनी है, तो मेरे मन में ख्याल आया सीए किया होता तो फ़ायदा रहता, तो मैं कुछ अलग तरह के बिजनेसेस के बारे में सोच पाता। तो तुम में से अगर कोई सीए वाले बैकग्राउंड से हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार सीए की जर्नी कैसी रहती है, क्या मैं अभी सीए कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे लिए सीए करना रेलेवेंट हो सकता है, या मुझे कुछ यूट्यूब चैनल ही बता दो जिससे सीए के बारे में मैं नॉलेज गैदर कर सकूँ और ये डिसाइड कर सकूँ कि सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम एक बार सोच के देखो, क्या सीए करना तुम्हारे करियर को अतिरिक्त चला सकता है? सीए करना थोड़ा फाउंडर माइंडसेट की तरफ तो जा रहा है, जैसे कैसे कि हम सॉफ्टवेयर, हम मतलब ना इंटरव्यू क्रैक करने के बजाय हम डेव करना जानते हैं, हम सीए कर लें तो अपने को बिजनेस सेंस थोड़ी बढ़ जाए कि ये बिजनेस चाहिए होता है,
और डेप्थ हम करना चाहते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स लिखे जा सकते हैं आई थिंक। और जहाँ तक मेरा अभी तक अंदाज़ा है ना, जो सीए कम्युनिटी है वो बहुत टेक सेवी तो नहीं है, मतलब जो सीएस का है वो सब एक्सेलों पे ही चल रहा है, दे नॉट वेरी टेक सेवी। तो कुछ प्रोडक्ट्स लिखकर कुछ बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टोरी भी है, और ये मुझे कमेंट्स में बताना, मेरी हेल्प करो, मेरे को कमेंट्स में बताना सीए के बारे में क्या क्या विचार बनता है। अब अपने सवाल पर आते हैं, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये ना एक स्ट्रैटेजी होती है, एक ग्रुप होती है जिसको मैं एक्वायर रिलीज ग्रुप कहता हूँ, हैश मैप हैश सेट का एक क्वेश्चन है, एक्वायर रिलीज ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जो बच्चे तेज़ हैं वो तो बस एक कोड देख लो और आपका काम हो गया, बाकी बच्चों के लिए मैं इसको एनालाइज कर दूंगा, जो बिगिनर टाइप के बच्चे उनके लिए मैं इसको एनालाइज कर दूंगा। तो सवाल होता है, हमें सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग के अंदर से सबस्ट्रिंग निकालना है सबसे बड़ा जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इनके वाला एग्जांपल तो नहीं लेता हूँ, अपना एग्जांपल बना लेता हूँ। तो ये है मेरा अपना एग्जांपल, ए बी सी बी ए डी ई एफ सी जी एफ, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग क्या है, पर पहले तो जान लो कि सबस्ट्रिंग होती क्या है। जैसे ए बी सी डी है, इसमें कितनी सबस्ट्रिंग है, या ए बी सी डी के अंदर सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग कंटिन्यूअस वाली होती है, तो इसमें कितनी सबस्ट्रिंग है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। तो एक है ए, फिर ए बी सी ए बी सी डी, चार तो ये हुई, फिर बी बी सी बी सी डी, तीन ये हुई, सी सी डी, दो ये हुई, और फिर अकेली डी, तो 10 सबस्ट्रिंग्स हैं। फोर इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गई, ये तो शायद 4 × 5/2, हाँ। तो कोई बात नहीं, तो उतनी सबस्ट्रिंग है हमारे पास। तो ए से शुरू होने वाली, ए बी ए बी सी ए बी सी डी, फिर बी बी सी बी सी डी, फिर सी सी डी, और फिर डी। तो 4 × 3 = 7, 2 = 9 और 1 = 10, ठीक है। तो विच इज़ एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, विच इज़ फाइन। तो उतनी हमारे पास सबस्ट्रिंग होती हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स हों, कोई डुप्लीकेसी ना हो, वो हमें बतानी है, सब उसकी लेंथ बतानी है। तो एक्वायर रिलीज स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, तो हम हैश सेट यूज़ करेंगे, हैश सेट में कोई चीज़ डाल देते हैं तो हम कभी भी ओ वन में पता कर सकते हैं वो उसके अंदर है कि नहीं है। तो ना एक्वायर रिलीज के लिए मैं एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ और एक एक पीछे रखता हूँ, ये जे है ये आई है। तो हम हर बार कैरेक्टर एक्वायर करना चाहते हैं, पर कैरेक्टर एक्वायर करने से डुप्लीकेसी ना हो तो एक्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे आई यहाँ पर बैठा है, मैं इसे एक्वायर करना चाहता हूँ, डुप्लीकेसी नहीं होगी तो एक्वायर करूंगा और अपनी लेंथ को अपडेट कर लूंगा। और लेंथ कैसे आएगी, आई माइनस जे से लेंथ आएगी मेरे पास। तो ये अभी जे बैठा है -1 पे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे यार सीए वाला जरूर बताना। और खुद भी सोचना कि मतलब एक ही फील्ड पे बहुत ज्यादा करने के बजाय हाउ अबाउट कि हम मतलब डेव प्लस सीए करें और उससे फाउंडर माइंड सेट से अपने लिए जॉब्स क्रिएट करें, सिर्फ जॉब्स नहीं क्रिएट करें, बाद में तो वो स्टार्टअप भी बन सकते हैं। तो इज़ दैट रेलेवेंट, और तुम इसे किसी का घर सीए वाला है क्या, या तुम कुछ सीए के चैनल्स जानते हो क्या, या किसी और को जानते हो जो सीए की परस्यूट कर रहा है, तो कॉमेंट्स में जरूर लिखना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो देखिए आई का हर बार हम करेक्टर एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, एक करेक्टर एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। करेक्टर एक्वायर हो गया बिना डुप्लीकेसी के तो लेंथ अपडेट कर लेंगे अपनी, नहीं हुआ तो रिलीज करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो अभी मेरा ये जैसे ये है मेरा वो हैश सेट जिसमें मैं कैरेक्टर्स को डाल रहा हूँ, नॉन डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो आई ए इसमें पहले से नहीं पड़ा, मैंने एक्वायर कर लिया ए को, एक्वायर कर लिया ए, एक्वायर हो गया, ठीक है, आई को बढ़ा दिया और लेंथ अपडेट कर ली। तो अब मेरे को लेंथ क्या मिलेगी, मतलब जब एक्वायर किया था तो वहाँ से मैंने लेंथ ले ली थी, मतलब बढ़ाने के बाद नहीं, बढ़ाने से पहले ही लेंथ ले लो, कि तुम एक्वायर हो पा रहे हो तो लेंथ ले लो। ये तो आई माइनस जे एक लेंथ हो गई, एक लेंथ हमारे पास हो गई जो आज तक की मैक्सिमम लेंथ है, और फिर इसको बढ़ा दो। अब देखो इस पहले सबसे पहले सोचो क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी, नहीं जी, यहाँ पे पहले से डी तो नहीं पड़ा, इसके अंदर पहले से डी तो नहीं पड़ा तो डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी ना एक्वायर करने से। तो तुम इसको एक्वायर कर लो, मतलब हैश सेट में डी को डाल दो, लेंथ अपडेट कर लो, 1 - 1 = 2 हो गई, 2 लेंथ हो गई ए डी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी लेंथ है, ठीक है, और इसको बढ़ा दो। अब इस स्पॉट पे सोचो क्या इसको सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी, नहीं होगी डुप्लीकेसी, ए डी अपने पास, तो एक्वायर करो, तो सी इसमें डाल दिया, लेंथ अपडेट करो, तो 2 - -1 - 2 - -1 = 3 हो गई लेंथ, तो ए डी सी, और जो आज तक की सबसे बड़ी लेंथ है तो हमने अपनी अपडेट कर दिया। तो हम लेंथ भी दो मेंटेन करके चल रहे हैं, करंट लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, तो
तो अभी तो आप करंट और मैक्सिमम बराबर चल रहा है, तो अभी आपको फर्क नहीं पता लगेगा, थोड़ी देर बाद फर्क पता लगेगा। तो आई को बढ़ा दिया, यहां पर पहुंचे। क्या इसको एक्वायर करने से, बी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी? नहीं होगी जी, ए डी सी, तो एक्वायर करो, बी डाल दिया इसमें, एक्वायर हो गया। अब देखो लेंथ अपडेट, तो 3 -1 = 4, तो हमारी करंट लॉन्गेस्ट लेंथ होगी ए डी सी बी, जो कि आज तक की भी लॉन्गेस्ट लेंथ है, तो हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है ए डी सी बी इस जे और आई के बीच में, और 4 लेंथ का है। तो आई को बढ़ाया जाए, आई को बढ़ाया, हम पहुंचे ई के ऊपर। क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी? नहीं होगी, तो एक्वायर करो, करा एक्वायर। अब लेंथ देखो अपनी, 4 -1 = 5, जो कि करंट लॉन्गेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट भी है। ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वाली बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी, चिंता मत करो, हो जाएगा। आई को बढ़ाया, यहां पर पहुंचे, इसको एनालाइज किया। क्या एफ को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी? नहीं होगी, तो एक्वायर करो, एक्वायर करो, फिर लेंथ अपडेट करो, 5 -1 = 6, तो ए डी सी बी ई एफ, जो कि करंट लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट है, ओवरऑल लॉन्गेस्ट है। आई को बढ़ाया, अब देखो, अब ये ए है, इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी, एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी ना, क्योंकि हम इसको, अब हमें जे को बढ़ा बढ़ा के तब तक रिलीज करने हैं कैरेक्टर जब तक डुप्लीकेसी हट ना जाए ए वाली। तो मैंने जे को बढ़ाया, मैंने कैरेक्टर को रिलीज किया, सोचा कैरेक्टर रिलीज करने के बाद अब डुप्लीकेसी हो रही है क्या? नहीं जी, अब तो इसमें ए नहीं रहा ना, अब कोई डुप्लीकेसी नहीं है, उस ए को एक्वायर करने से कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, तो रिलीज को रोक दो, रिलीज को रोक सकते हैं हम यहां पर। क्या ये बात समझ में आई? मैं एक बार कोड के बाद भी एनालिसिस करूंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा, तो एक बार तो आगे चलते हैं, कोड के साथ एनालाइज करूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने जे को यहां पे लाया, रिलीज किया, देखा कि जो डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम होने वाली थी वो रिमूव हो गई है। क्या रिमूव हो गई है? तो रुक जाओ, ठीक है, लेंथ आपको अपडेट एक्वायर करने के बाद ही करनी है। तो अब इस ए को दोबारा से एक्वायर करो, ए को एक्वायर किया, लेंथ लो, तो 6 - अब ये 0 पर है, तो लेंथ 6 ही है, लेकिन अब वाला 6 जो रिप्रेजेंट करता है वो ना, आपकी लेंथ हमेशा आपको जे से आगे से लेनी होती है, जे से आगे से लेनी होती है, जो आई माइनस जे है वो जे से आगे को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जे से लेके आई को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आई माइनस जे प्लस 1 होता है, और जे से एक आगे से लेंथ को ले रहे हो तो वो आई माइनस जे से रिप्रेजेंट होता है। तो हम लेंथ आई माइनस जे से ले रहे हैं, तो 6 - 0 से लेंथ ले रहे हैं, तो वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है हमेशा। तो वो डी सी बी ई एफ ए है, जो कि करंट मैक्सिमम है, लेकिन वो ओवरऑल मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है। तो मेरा करंट मैक्सिमम तो डी सी बी ई एफ ए है, लेकिन मेरा ओवरऑल मैक्सिमम ए बी सी ए डी सी बी ई एफ पे ही फंसा हुआ है। वैसे भी हमें तो लेंथ रिप्रेजेंट करनी है, तो इस 6 ने पुराने ओवरऑल मैक्सिमम को बीट नहीं किया है। मतलब पहले हमने ये डिटेक्ट कर रखा था कि ये लॉन्गेस्ट है, और अभी हमने ये डिटेक्ट किया है कि ये लॉन्गेस्ट है, और एक्चुअली दोनों बराबर हैं, तो ये वाला उसको बीट नहीं कर पाया, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई को बढ़ा दिया, जी पे पहुंचे। अब क्या जी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो रही है? नहीं जी, जी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी नहीं हो रही है, तो रिलीज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो हम सिर्फ एक्वायर करेंगे। एक्वायर किया, लेंथ अपडेट करी, तो देखो 7 - 0 लेंथ हो गई 7, जो करंट मैक्सिमम है वो बेसिकली है डी सी बी ई एफ ए जी, जो कि ओवरऑल मैक्सिमम से ज्यादा है। तो ओवरऑल मैक्सिमम अब हमारा ये नहीं रहा, अब ओवरऑल मैक्सिमम ये हो गया, क्योंकि करंट मैक्सिमम ने ओवरऑल मैक्सिमम को हरा दिया, तो अपडेट हो गया। हमने आई को बढ़ाया, यहां पहुंचे। क्या सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी? हाँ जी होगी। अब यहां पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी तो हम एक्वायर नहीं करेंगे, पहले रिलीज होगा, जब तक सी रिलीज नहीं हो जाता तब तक एक्वायर नहीं होगा। तो जे बढ़ाया जी, जे नई जगह पर पहुंचा और डी को रिलीज कर दिया, ठीक है। अभी भी सी की वजह से डुप्लीकेसी हो रही है, अभी भी हम सी को एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि सी पहले से पड़ा है इसके अंदर। तो जे फिर से बढ़ाया और सी को रिलीज कर दिया। अब उस सी को एक्वायर करने से, आई वाले सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी नहीं होगी, तो हम रिलीज करना रोक सकते हैं। तो अब हम इस सी को एक्वायर करेंगे, सी को एक्वायर किया, सी को एक्वायर किया, और मतलब लेंथ कंसिडर करेंगे, तो अब 8 से 2 6 है हमारी लेंथ, और वो लेंथ ये है, वो ये वाली 6 है, बी ई एफ ए जी सी। तो देखो ये करंट मैक्सिमम तो है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है, तो अपडेट नहीं करेंगे बी ई एफ ए जी सी की वजह से, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई कि करंट मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम से बेहतर नहीं है, तो अपडेट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एफ को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी क्या? हाँ जी हो जाएगी, तो एक्वायर नहीं कर सकते, रिलीज होगा पहले। तो मैंने इसको रिलीज किया, अभी भी एफ की वजह से डुप्लीकेसी हो जाएगी, इसको रिलीज किया, अभी भी एफ की वजह से डुप्लीकेसी हो जाएगी, इसको रिलीज किया जे बढ़ाकर, अब एफ की वजह से डुप्लीकेसी नहीं होगी, तो मैंने अब एफ को एक्वायर कर लिया, लेकिन अब जो मेरी लेंथ रिप्रेजेंटेड है वो है, एफ है 9 पर, जे है यहां पर,
तो बेसिकली दिस विच इज 9 माइनस 5 4। तो मेरा करंट मैक्सिमम जो है वो ए जी सी एफ है, जो ओवरऑल मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मैक्सिमम अभी भी 7 dB/FHg पे फंसा हुआ है। ठीक है, आ यहां पर आया, क्या बी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी? नहीं होगी। तो बी को एक्वायर कर लिया, लेंथ लिया, तो 10 माइनस 5, 5 की लेंथ है मेरे पास, जो कि रिप्रेजेंट करती है ए जी सी एफ बी को, जो करंट मैक्सिमम तो है लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है। तो अपना जब आई एंड में पहुंच जाएगा तो आंसर आ गया है, क्योंकि अब जे आगे बढ़ेगा भी तो रिजल्ट छोटा ही करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 dB/dB/FHg रहा। तो अब ना एक बार इसी एग्जांपल को मैं एनालाइज करूंगा कोड करने के बाद। ठीक है, तो जनरली इस तरह के कोड ना हैश सेट से भी लिखे जा सकते हैं, हैश मैप से भी लिखे जा सकते हैं, और एक एरे से भी लिखे जा सकते हैं। एक बुलियन एरे ले लो जिसके अंदर मतलब जैसे करेक्टर है ए तो 97 पे जाके ट्रू कर दो, करेक्टर है बी तो 98 जो कि बी का आस्का ही है वहां पे जाके ट्रू कर दो, उससे भी रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको एरे वाली स्ट्रेटजी आती है, नहीं आती तो एक बार बता देता हूँ। तो ना एक हैश सेट हैश मैप कहने को तो ओ वन में चलते हैं, पर ओ नहीं होता, वो एवरेज केस होता है। एवरेज केस में वो वन उस पर कॉन्स्टेंट टाइम में चलते हैं, वर्स्ट केस तो उनका ओ वन ही होता है। तो हमेशा एक एरे यूज करके आप फास्टर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले पाओगे अगर आप हैश सेट या हैश मैप का क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपको ये पता हो कि आपके पास स्ट्रिंग ही है, उसमें ए बी सी डी या कैपिटल ए बी सी डी या 1 2 3 4 या स्पेस वगैरह ही आएगा, तो आप एक 256 256 साइज का एरे ले लो, 0 1 2 3 4 ऐसा 256 साइज का एरे ले लो। ठीक है, उसके अंदर हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे अगर आपको ए आ गया तो ए 97 उसका आस्का ही होता है, आप 97 पे जाके ट्रू लिख दो, तो मतलब इसका मतलब ए आ चुका है। ठीक है, अगर आपको अभी जीरो आ गया तो जीरो का आस्का ही होता है 48, तो आप 48 पे जाके ट्रू लिख दो कि भैया हमें जीरो देख लिया था। तो आप एरे को यूज कर सकते हो हैश सेट की तरह। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख के दिखा दूंगा आपको, तो देखिएगा, मैंने लिया एक मैक्सिमम लेंथ जो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, एक करंट लेंथ होगी जो करंट जो स्ट्रिंग चल रहा है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक आई रहेगा जो एक्वायर करने के काम आएगा, एक जे रहेगा जो उससे एक पीछे रहेगा -1 पर जो रिलीज करने के काम आता है, जे बढ़ता है फिर रिलीज करते हैं। ठीक है, एक रहेगा हमारा सेट, 256 साइज का साइज सेट मैंने कैसे डिसाइड किया, उसके लिए मैंने कंस्ट्रेंट पढ़े जाकर, मुझे बता दिया कि भैया एस के अंदर इंग्लिश लेटर डिजिट सिंबल और स्पेस ही हैं, तो मतलब 256 साइज का चल जाएगा। ठीक है, चाइनीज वाइनीज कैरेक्टर होते तो मुझे फिर वो बनाना पड़ता, जो सारे कैरेक्टर अलाउड होते तो मुझे बनाना पड़ता 64,000 साइज का एरे। तो मैंने ये एरे बना लिया, इसको मैं सेट बोलूंगा, न्यू बुलियन 256। डाउट आए तो कमेंट्स में डाल देना, मैं कमेंट पे ही रिवर्ट करूंगा इसका। तो अब देखो, अब गेम शुरू होता है, जब तक एक्वायर कर सकते हैं तब तक खेल चलेगा, वाइल्ड बी कैन एक्वायर गेम चलेगा। तो सी एच आई कैरेक्टर टू एक्वायर, या मैं इसको बोल दूं, तुम अच्छा कमेंट चाहते हो तो मैं ऐसा लिख दूं, सी एच टू एक्वायर, जिस कमेंट कैरेक्टर को मैं एक्वायर करना चाहता हूं वो है एस डॉट कैर एट आई, मैं इस कैरेक्टर को एक्वायर करना चाहता हूं, पर मुझे पहले टेंशन है कि एक्वायर करने से कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं हो जाएगी, तो डुप्लीकेसी चेक। तो क्या सेट के अंदर इस कैरेक्टर टू एक्वायर पर पहले से ट्रू पड़ा है क्या? क्या ये पहले से है क्या? अगर ये पहले से है तो रिलीज करना पड़ेगा डुप्लीकेसी एंड रिलीज। ठीक है, तो रिलीज करना पड़ेगा, तो इफ के बजाय ना वाइल लगा लो, जब तक कैरेक्टर टू को एक्वायर डुप्लीकेसी को राइज दे रहा है, जब तक तो कैरेक्टर टू एक्वायर सेट के अंदर है तो उसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी, जब तक ये डुप्लीकेसी को राइज दे रहा है तब तक जे को बढ़ाते रहो, और जे जहां पर पहुंचेगा उस कैरेक्टर को रिलीज कर दो, कैरेक्टर टू रिलीज इक्वल टू एस डॉट कैर एट जे। तो एक बार जब कोड इसके बाद करूंगा ना, कोड के बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो फॉल्स कर दो इसको, देखो क्या किया, जब तक टू कैरेक्टर टू अक्वायर आपके सेट में पड़ा है तब तक जे को बढ़ाएं, जे जहां पहुंचा वो कैरेक्टर टू रिलीज है, और उसको फॉल्स कर दें कि ये रिलीज कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर टू रिलीज और अक्वायर सेम हो, तो इसको रिलीज करने की वजह से सेट में फॉल्स आ जाएगा, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, तो मतलब हम सेफ हो गए हैं, अब हम कैरेक्टर टू अक्वायर को अक्वायर कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको पीछे से रिमूव कर दिया है। ठीक है, डुप्लीकेसी का हमने कर दिया सॉल्यूशन, अब हम एक्वायर कर सकते हैं। तो अब हम कैरेक्टर को एक्वायर कैसे करें,
एक्वायर तो भैया इतना ही है, एक्वायर क्या करना है, सेट के अंदर जाके कैरेक्टर टू एक्वायर पे ट्रू कर दो। तो पहले से ट्रू को ट्रू नहीं करना है, पहले से फॉल्स को ट्रू करना है। तो पहले से ट्रू को ट्रू करने का मतलब वो पहले भी सेट में था और आपने दोबारा डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो अगर वो पहले से सेट में था तो पहले उसको सेट में से निकाल दो, जे बढ़ा बढ़ा के निकाल दो, फिर उसको एक्वायर कर लो। एक्वायर कर लिया, अब करंट लेंथ, अब डेट लेंथ, एक्वायर करने के बाद लेंथ अपडेट करो। तो करंट लेंथ आपकी क्या होगी, करंट लेंथ आपकी हमेशा होती है आई माइनस जे। इस वाले बारे में बाद में ध्यान से सोचना, आई माइनस जे, आई माइनस जे ना हमेशा जे से आगे वाली लेंथ को इंक्लूड करता है। अगर आप जे और आई दोनों को इंक्लूड करते हो तो आई माइनस जे प्लस वन होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आई पैड पर दिखा दूँ ये वाली बात कि ना ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे ये स्पॉट है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, या मैं इसको ए बी सी डी ई एफ, लेट अस से जे यहाँ बैठा है, लेट अस से आई यहाँ बैठा है। तो अगर यहाँ पर 4 माइनस 1, आई माइनस जे देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 माइनस 1 थ्री लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थ्री लेंथ भैया ये होती है जो जे से अगले से स्टार्ट होती है। अगर आप आई माइनस जे प्लस वन लेते हो तो 4 माइनस 1 प्लस 1 फोर लेंथ मिलती है। तो आई माइनस जे प्लस वन आपका जे और आई दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है ना, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाली बात है। तो जो आई माइनस जे होता है वो बेसिकली ये होता है मैथमेटिकल में कि आई इंक्लूडेड जे एक्सक्लूडेड, और जो आई माइनस जे प्लस वन होता है वो दोनों तरफ से इंक्लूसिव होता है कि जे से लेकर आई दोनों, ठीक है ना, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर ये वाली बात समझ में आ रही है तो हम आई माइनस लेंथ जे ले रहे हैं, हमने जहां पर जे खड़ा है वो तो रिलीज हो चुका है, जहां पर जे खड़ा है वो तो रिलीज हो चुका है ना, रिलीज हो चुका है तो वो कैसे इंक्लूड हो सकता है। तो ये आई करंट लेंथ, अगर ये करंट लेंथ आपकी मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा है तो मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करना ना भूलें। तो इसमें मैं थोड़े से वेरिएबल्स बचा सकता था, कैसे मैं ये पर समझा, फिर कोड अच्छा ना, समझाने में अच्छा ना होता, मैं सिंपल बताया इस तीन लाइनों को कैसे लिख सकता था, करंट लेंथ की जरूरत ही नहीं थी, और मैं ऐसा लिख सकता था इन तीन लाइनों की जगह मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ और आई माइनस जे, मतलब मैं खुद कोड करूंगा तो इतना ही करूंगा, ठीक है। लेकिन अब आप समझाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा बढ़िया से लिख दें, कोई बात नहीं। तो लास्ट में मैंने रिटर्न किया मैक्स लेंथ को, कोड मैं पहले कर चुका था तो मोस्ट लाइकली ये सबमिट हो जाना चाहिए अनलेस मैंने कोई ऑब्वियस मिस्टेक करी हो। हाँ कर दी है, इधर 256 लिखते जावा में, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अच्छा आई बढ़ाना भूल गया नीचे, आई तो कभी बढ़ाया नहीं ना, हर बार आई तो एक आगे सरके गई। तो मैं जनरली वैसे इसको बहुत देखता नहीं, सबमिट हो गया तो मैं खुश रहता हूँ, पर फास्ट इनफ है, बीट्स मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, मेमोरी पे भी इट इज़ गुड। हैश सेट और हैश करेक्ट, अगर मैं हैश मैप या हैश सेट यूज़ करता ना तो कोड कम्प्लेक्सिटी भी एकदम सेम रहता, लेकिन ये थोड़ा स्कोर मेरे पुअर आ जाते, विच डज नॉट रियली मैटर एक्चुअली, ठीक है। तो इसको एक बार आप एनालाइज दोबारा कर लें, इसको दोबारा एनालाइज कर लें, तुमने कोड देख लिया है, देखो दोबारा से क्या हो रहा है, तुम ना इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ। हम पहले जहाँ पर आई पहुँचता है उसे कैरेक्टर टू एक्वायर मानते हैं, हमारा मेन काम है उसको एक्वायर करना, मतलब सेट में उसको ट्रू करना, और करंट लेंथ आई माइनस जे से मिल जाएगी, और करंट लेंथ मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा है तो अपडेट कर दो और आई बढ़ा दो, ये हमारा मेजर काम है। लेकिन एक्वायर करने में दुविधा हो सकती है, एक्वायर करने से डुप्लीकेसी पैदा हो सकती है, वो पहले से हो सकता है, तो पहले डुप्लीकेसी रिजॉल्व करेंगे, डुप्लीकेसी डिटेक्ट डुप्लीकेसी एंड रिलीज, तो डिटेक्ट डुप्लीकेसी एंड रिलीज। तो कैरेक्टर टू एक्वायर, एक्वायर करने से अगर वो पहले से पड़ा है तो जे बढ़ाओ, कैरेक्टर टू रिलीज को आइडेंटिफाई करो और उसको रिमूव कर दो सेट में से, मतलब फॉल्स कर दो उसको, ये है मेजर गेम। तो एक बार मैं आपको मतलब वो तसल्ली हो जाएगी, कोड तो नहीं दिख रहा अभी, मैंने वो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, तो जो पिछला एक केस था मैं उसको एक बार आप कोड देख चुके हो तो दोबारा एनालाइज कर देता हूँ। ए डी सी बी ई एफ ए जी सी एफ बी, ए डी सी बी ई एफ बी ई एफ ए जी सी एफ बी ए जी सी एफ बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे रखा पीछे माइनस वन पर, आई रखा यहां पर, ठीक है। हर बार हम एक्वायर करना चाहते हैं, ये मैं सेट दिखा रहा हूं, सेट दिखा रहा हूं, हर बार एक्वायर करना चाहते हैं, तो
पहले सोचो क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो रही है, नहीं जी सेट में तो है ही नहीं, तो एक्वायर किया, पहले एक्वायर किया कोड वापस देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्या डुप्लीकेसी हो जाएगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी तो डुप्लीकेसी रिजॉल्व करते हैं, वरना एक्वायर करते हैं, लेंथें अपडेट करते हैं और आई बढ़ा देते हैं, लास्ट में आई बढ़ा देते हैं, लास्ट में आई बढ़ा देते हैं। दोबारा देखो हम डुप्लीकेसी देखते हैं कि डुप्लीकेसी में प्रॉब्लम आएगी क्या, आएगी तो कुछ सोचते हैं वरना नहीं प्रॉब्लम आएगी तो एक्वायर करते हैं, लेंथें अपडेट करते हैं दोनों, करंट और मैक्सिमम, और आई बढ़ा देते हैं, दैट इज इट। अगर एक्वायर करने से परेशानी आ सकती है तो एक्वायर करने से पहले हम जे बढ़ा के, तब तक जे बढ़ाते हैं जब तक डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम रिमूव ना हो जाए, फिर एक्वायर करते हैं। तो वापस जाता हूं, तो आपको पता क्या करना है, आप ना मतलब जैसे मैं, आप ना इस कोड का स्नैपशॉट ले लो, जब वीडियो के अंदर रोक के कोड का स्नैपशॉट ले लो, और जब मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो स्नैपशॉट के साथ उसको कंपेयर कर लो इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो भैया इसको एक्वायर, मतलब शुरू से कर रहा हूं, इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी नहीं होने वाली थी, तो एक्वायर अपडेट लेंथ, तो आई माइनस जे की लेंथ है जीरो माइनस, ये तो माइनस वन पे है, जीरो माइनस माइनस वन वन, तो वन लेंथ हो गई अपनी, करंट भी और मैक्सिमम भी, तो ये वन ए को रिप्रेजेंट करता है, करंट भी यही है मैक्सिमम भी है, जब मैक्सिमम आएगा तो मैं गोला लगा दूंगा, ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम ही है इस समय, तो करंट और मैक्सिमम यही है, जब करंट और मैक्सिमम डिफरेंट होगी तो मैं मैक्सिमम पे गोला लगा दूंगा, और लास्ट में आई को बढ़ा दो, तो आई पहुंचा यहाँ। क्या डी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, तो एक्वायर करो मतलब ट्रू कर दो उसको, लेंथ से अपडेट करो, लेंथ होगी जी टू, वन माइनस माइनस वन से ए डी को रिप्रेजेंट करती है, करंट और मैक्सिमम यही है, आई को बढ़ाओ। क्या सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर करो, लेंथ अपडेट करो, बढ़ाओ। क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर करो, लेंथ अपडेट करो, बढ़ाओ। क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर करो, लेंथ अपडेट करो, बढ़ाओ। क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर करो, लेंथ अपडेट करो, फाइव माइनस माइनस वन सिक्स होता है, तो वो ए डी सी बी ई एफ रिप्रेजेंट करता है, और बढ़ाओ। अब क्या इसको एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, हाँ जी होगी, एक एक्वायर करने से डुप्लीकेसी, तो अब एक्वायर करने से पहले रिलीज होगा, जे को बढ़ाओ, तब तक बढ़ाओ जब तक वो ए वाली डुप्लीकेसी चली ना जाए, जे को बढ़ाओ, रिमूव कर दो। अब सोचो डुप्लीकेसी गई क्या, ए वाली डुप्लीकेसी गई, हाँ गई, तो रुक जाओ, अब फिर एक्वायर वाला काम नॉर्मल चालू हो गया, ए को एक्वायर करो, लेंथ है अपडेट करो, तो इस बार लेंथ है डी सी बी ई एफ ए, डी सी बी ई एफ ए, तो मैक्सिमम अभी पुराना ही चल रहा है, गोला उसके ऊपर है, मैक्सिमम अभी पुराना ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये करंट मैक्सिमम है, वो लास्ट में आई को बढ़ा दें। अब जी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर करो, लेंथ अपडेट करो, सेवन होगी लेंथ आपकी, ये होगी सेवन लेंथ डी सी बी ई एफ ए जी, जो कि पिछली बार से बड़ी है, तो अब गोला इधर है, ये वाला गोला कट गया, ये मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम यही है, आई को बढ़ाया। क्या सी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, हाँ जी होगी, तो तब तक रिलीज होगा जब तक ये प्रॉब्लम चली ना जाए, डुप्लीकेसी गई क्या, नहीं, डुप्लीकेसी गई क्या, गई, तो एक्वायर कर लो, सी आगे वाला एक्वायर कर लिया, तो अब अपनी आठ माइनस दो छः की लेंथ है बी ई एफ ए जी सी, जो कि गोले को तो नहीं बदलेगी पर करंट मैक्सिमम है बी ई एफ ए जी सी, ठीक है, बढ़ाया, एक्वायर करने से डुप्लीकेसी हो जाएगी एफ को, तो भैया जे को बढ़ाया बी गया, जे को बढ़ाया ई गया, जे को बढ़ाया एफ गया, अब हम उस आगे वाले एफ को एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि डुप्लीकेसी की समस्या गई, तो आई की वजह से एक्वायर किया, लेंथ लिया, तो लेंथ है नाइन माइनस फाइव फोर, जो ए जी सी एफ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है करंट मैक्सिमम है, ओवरऑल मैक्सिमम तो सात पे ही छुपा हुआ है, तो और लास्ट में आई बढ़ा दिया, बी को एक्वायर करने से डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी, एक्वायर कर लो, तो लेंथ अपडेट कर दो, तो फाइव, तो आपका जे यहाँ पर फंसा है, ये आपकी लेंथ है ए जी सी एफ बी, ए जी सी एफ बी, जो कि ओवरऑल मैक्सिमम नहीं है, ओवरऑल मैक्सिमम आपके पास ये था, उसको रिटर्न कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो आज शायद बस बस आज के लिए इनफ मोमेंटम, ठीक है, काम चल गया, तो मैं और इस चैनल पे लीड कोड की टू थ्री कर दिया, मतलब कल एक सवाल के आज दो किए हैं, कल तीन करने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा, तो अब मैं आज और लीड कोड तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं ये ड्रीम एंड बिल्ड पे स्टोरी ज़रूर करूँगा, टॉफलर वाली ज़रूर देखना यार स्टोरी को, स्टोरी में क्या होने वाला है, आपके पास कंपीटिंग ऑफर्स हो तो कैसे सिलेक्ट करो, या कोई एक ही ऑफर हो तो तुम कंपनी में बैकग्राउंड चेक कैसे करो कि भाई ये कंपनी मैं ज्वाइन करूँगा, सही सही तो है, मतलब टॉफलर से उसको देख लो, हूड पे देख लो, लिंक्डइन पे एम्प्लॉय काउंट बढ़ रहा है घट रहा है, उस तरह की स्टोरी में ये टॉफलर पे मैं करने वाला हूँ अभी, फिर क्रोम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ूंगा मोस्ट लाइकली, तो
थोड़े दिनों में ये फाउंडर माइंडसेट और ये सीए वाले का कमेंट्स में मुझे बताओ यार, कोई सीए कर रहा है क्या, या कोई सीए करने वाले को जानता है क्या? क्या सीए जेन्युइन होता है? मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरी उम्र पे फायदा होगा, आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं अपनी रिसर्च तो करूंगा ही, फिर जो मेरी फाइंडिंग होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू सो मच।